अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसी है मेरी प्यारी सी छोटी सी यूट्यूब फैमिली, आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट। तो सीन कुछ ऐसा है कि अभी जो है वो सुबह के बज रहे हैं 11 और मैं जो है वो उठ चुकी हूँ, किचन में आ चुकी हूँ नाश्ता बनाने के लिए अपना। तो मैंने नाश्ते के लिए, जैसे आप लोगों को पता है मैं नाश्ते में अंडा ही खाती हूँ, तो वो मैंने ले लिया है एक अंडा, और चाय जो है वो मैंने रख दी है चूल्हे पर क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं चाय पीती हूँ। तो मैंने जो है वो अंडे में सिर्फ थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी जो है वो लाल मिर्च डाली है, और जी अपने लिए जो मैं नाश्ता जो है वो तैयार कर लूँगी। और आज जो है वो मैंने जाना है मार्केट तक भी, कुछ मैंने अपने प्रैक्टिकल कॉपीज़ वगैरह जो है वो लेनी है, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जी अगर जाती हूँ। वैसे मेरा इरादा है कि मैं जाऊँ क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल कॉपी वगैरह बनानी है, और ईद के बाद जो है वो ईद की छुट्टियों में मैंने तैयार करनी है और उसके बाद चेक भी करवानी है। तो बातों बातों में जी नाश्ता जो है वो तैयार हो चुका है मेरा, और चाय भी बन चुकी है और नाश्ता भी बन चुका है, और अभी जो है वो मैं नाश्ता करूँगी और उसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है। तो नाश्ता जो है वो मैंने अपना तो कर लिया था, और यहाँ पर ये देखें ज़रा, ये मैं अपने छोटे भाई के लिए जो है वो नाश्ता मैंने बनाया है, और वो नाश्ते में जो है वो नूडल्स खाता है। वो बहुत ही कम कभी कभार होता है कि वो उसने नाश्ते में जो है वो अंडा खा लिया, ब्रेड खा ली, नहीं तो वो हमेशा जो है वो नूडल्स ही खाता है। और साथ उसके लिए जो है वो मैंने जूस निकाल दिया है, तो अभी जो है ये इसको नाश्ते में देकर आती हूँ। तो जी चलते हैं और उसको उसका नाश्ता जो है वो देकर आते हैं अंदर। तो आज जो है ना वो मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना सिट्टा खाऊं, तो मैंने जो है वो मंगवाया है सिट्टा, और वहाँ मेरा बैठा हुआ भाई जो है वो नाश्ता कर रहा है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने जो है वो मार्केट आने कुछ काम है, तो वो जी कुछ मेरा भी काम था और कुछ मामा का काम था, तो हम लोग जो है वो मार्केट आए हैं, यहाँ पर कोई काम था तो यहाँ पर रुके हैं। उसके बाद जो है वो मैंने लेनी थी प्रैक्टिकल कॉपीज़ अपने लिए, तो यहाँ पर जो है वो मैं शॉप पर आ चुकी थी प्रैक्टिकल कॉपीज़ लेने के लिए, और रजिस्टर वगैरह देख रही थी कि मैंने लेना था जो, तो वो मैं लेना है वो लेती हूँ, और उसके बाद जो है वो आगे चलते हैं। और साथ मामा कह रही थी कि मैंने जो है वो अपने लिए कोई जूता वगैरह भी लेना है, तो वो आगे देखते हैं कि क्या क्या लेते हैं अब हम लोग मार्केट से। फ़िलहाल मैं यहाँ पर चेक कर रही थी कि प्रैक्टिकल कॉपी जो है वो ठीक है ये कि नहीं है, क्योंकि मामा कह रही थी कि ये मुझे बहुत बारीक लग रही है, थोड़ी सी मोटी तो तुम्हारे प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं ये ठीक है, काफ़ी है, इस पर जो है वो कम्प्लीट हो जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है वो यहाँ से मैंने मार्कर पेन वगैरह लिया, और फिर जो यहाँ पर जो है वो पेमेंट की इन चीज़ों की, और उसके बाद जो है वो फिर जो है थोड़ी सी भूख वगैरह लग गई, तो सोचा कि कुछ खाया जाए, तो फिर मामा और मैंने जो है वो दही भल्ले लिए, और अभी जो है वो हम ये इंजॉय करते हैं। और साथ साथ जो है वो मामा ने फिर कहा कि मैंने जूता लेना है, तो फिर हम लोग जो है वो जूतों की शॉप पे गए, और वहाँ से फिर जो है वो मामा ने जूता लिया। वैसे मामा को बहुत ही मुश्किल से जो है वो जूता पसंद आता है, बहुत मुश्किल से पसंद आता है, तो फिर मामा ने जो है वो जूता पसंद किया, फिर हम लोग जो है वो चले घर के लिए, और अभी जो है वो हम लोग जा रहे हैं घर। चुके हैं और मैंने सोचा कि प्रैक्टिकल कॉपी अब ले आई हूँ, तो इसको जो है वो बनाना भी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि फिर जो ईद के अंदर जो ईद के 3 दिन होते हैं वो तो वैसे ही बहुत बिजी होते हैं, तो आज से स्टार्ट करूँगी तो जाके तैयार होंगी ये। तो अभी फ़िलहाल जो है वो मैं इनको तैयार लिखने लगी थी प्रैक्टिकल्स अपने, मैंने पहले सोचा कि कॉपी लेते हैं जी और स्टार्ट कर ही लेते हैं आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल्स लिखने हैं मैंने और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इस काम में, तो अभी जो है वो मैं प्रैक्टिकल्स लिखना जो है वो स्टार्ट करने लगी हूँ। अभी मैं प्रैक्टिकल
ओरिजिनल कॉपी जो है वो लिखने बैठी थी और अभी मैंने 2 पेज लिखे थे कि मामा ने मुझे जो है वो आवाज़ दे दी कि चलो आओ किचन में थोड़ी सी मेरी हेल्प करवा दो खाना बनाने में। तो खाना तो उन्होंने बना लिया, तो उन्होंने कहा कि साथ जो है वो सलाद वगैरह कट कर लो। तो अभी आज जो है वो किचन में बन रही थी लेयर्स वाली बिरयानी, तो उसमें काफ़ी टाइम जो है वो लग जाता है, तो इसलिए बाकी की चीज़ें जो सलाद वगैरह था वो मुझे बुला लिया गया है जी किचन में कि आओ और थोड़ा सा तैयार कर दो। तो मैं चली गई किचन में, अपनी प्रैक्टिकल कॉपी को वहीं पर बंद कर दिया मैंने और मैं आ गई किचन के अंदर। और यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा खुशबू जो है वो उड़ी हुई थी बिरयानी की, तो अभी जो है वो बिरयानी की लेयरिंग जो है वो लग रही है। उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे दम पे और हमारी बिरयानी जो है वो तैयार हो जाएगी और बिरयानी की फ़ाइनल लुक जो है वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये है जी हमारी बिरयानी जो कि मज़ेदार सी और यमी सी जो है वो तैयार हो चुकी है और अभी जो है वो मैं खाऊंगी बिरयानी। और आप लोगों ने अगर खाने तो आप लोग भी आ जाएं और मेरे साथ इंजॉय करें इस बिरयानी को। और उसके बाद जो है वो हम लोग जो है वो क्या करना है हम लोगों ने, हाँ तो बिरयानी खाते हैं और वीडियो को यहीं पर जो है वो एंड करते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को मेरे छोटा सा व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा यार, कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा, और सब्सक्राइब तो लाजमी कर दीजिएगा। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।